हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल वज्जी दरबार। तो गाइस हम आज बनाएंगे पिटलावड़ी, तो लेट्स गेट इन। वड़ियाँ बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 2 ग्लास बेसन, 2 ग्लास हम मिलाएंगे नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेते हैं। अब बेसन में मैं मिलाऊंगी 3 ग्लास पानी। जिस ग्लास से मैंने बेसन लिया है उसी ग्लास से मैं एकदम नाप के 3 ग्लास पानी डाल रही हूँ। रेशो है 1:1.5 कप, यानी 1 कप अगर बेसन आप ले रहे हो तो 1.5 कप पानी डालना चाहिए। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। बेसन में बिल्कुल लम्स नहीं रहने हैं। अब इसको साइड में रखेंगे। यहाँ पे मैंने एक प्लेट लिया है जिसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छे से इसको ग्रीस कर रही हूँ। गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ाया है, गैस के फ्लेम को भी ऑन कर दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी 4 से 5 बड़े चम्मच तेल। तेल गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड सीड्स यानी राई, जीरा, हल्दी पाउडर। हल्दी मैंने थोड़ा सा ही डाल रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी मैं हल्दी डाल चुकी हूँ। अब इसमें मैं मिलाऊंगी इंक। अब इसमें डालेंगे हम बारीक कटी हरी मिर्ची, थोड़े से करी पत्ते और 3 मीडियम साइज के बारीक कटे प्याज। यहाँ पे मैंने दरदरा कूटा हुआ लहसुन रखा है, अब इसमें मिला लेंगे। सारे चीज़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए सारे चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसमें मैं मिलाऊंगी थोड़ा सा शुगर, अभी 1 चम्मच नींबू रस। फ्लेम को लो पे रखेंगे। अब जो हमारा बैटर है इसमें डालेंगे कढ़ाई में। फ्लेम को लो ही रखना है। अब इसको लगातार हम मिलाते जाएंगे, आटे में बिल्कुल लम्स नहीं रहने हैं। साइड्स को अच्छे से स्क्रैप करते हुए अच्छे से मिलाना है। फ्लेम को थोड़ा सा मैंने मीडियम पे रखा है। देखिए मिलाते जाएंगे, कंटिन्यूअस मिलाना है। फ्रेंड्स इसमें रेशो बहुत ज़रूरी है। अगर आप 1 कप बेसन ले रहे हो तो उसमें 1.5 कप ही पानी मिलाना है, इससे ज़्यादा या इससे कम अगर मिलाएंगे तो वड़ियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं बनेंगी। देखिए हमारा आटा थिक होते जा रहा है। साइड्स को स्क्रेप करते हुए अच्छे से हमको मिलाना है। ये वीडियो थोड़ा सा मैंने लंबा बनाया है क्योंकि यहाँ पे पूरा प्रोसीजर आपको दिखाना चाहती थी, तो थोड़ा सा लंबा है वीडियो। तो देखिए पूरा ठीक हो चुका है। तो यहाँ पे आटा हमारा चिपक रहा है इसलिए मैं इसमें 2 चम्मच तेल फिर से मिलाया है मैंने इसमें। देखिए आटा एकदम कढ़ाई से फ्री हो चुका है, अब देख सकते हैं। बस इसको कंटिन्यूसली मिलाते जाना है। जब आटा कढ़ाई छोड़ने लगे तो हमको इसको ग्रीस किया हुआ प्लेट में निकाल लेना है। देखिए अभी हम पूरे आटे को प्लेट में डालेंगे जो ऑलरेडी हमने तेल से ग्रीस करके रखा है। अब इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे प्लेट में।
तो मैंने चम्मच के पिछले हिस्से में ऑयल लगाया है ताकि आटा चम्मच को चिपके ना। देखिए इस तरीके से हमको प्रेस करते जाना है। अब हाथों की मदद से थोड़ा सा अच्छे से चारों तरफ से आटे को स्प्रेड करेंगे। अब इसको हम गार्निश करेंगे ग्रेटेड कोकोनट के साथ। गार्निश करके इसको ठंडा होने तक हम रखेंगे। और थोड़ा सा मैंने चिली फ्लेक्स डाला है इसमें, ये ऑप्शनल है। देखिए ठंडा हो चुका है हमारा आटा। अब हमको इसको कट करना है, आपके मनचाहे शेप में आप कट कर सकते हैं। जब तक आटा ठंडा नहीं होता है तब तक हमको कट नहीं करना है। देखिए बड़ी आसानी से कट होते हैं बढ़िया और बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट बनते हैं। अभी हम निकाल लेंगे। देखिए हमारे वड़ियाँ बहुत ही अच्छे बन के आए हैं। आप देख सकते हो अभी से हम एक प्लेट में निकाल लेंगे सारे वड़ियों को। तो हमारे पिटला वड़ी बनके तैयार है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।